में लॉकडाउन के पूर्व सड़कों पर नजर आया जन सैलाब, साथ ही व्यापारियों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। खरगोन शहर में विगत दिवस हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिला प्रशासन ने दिनांक 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जिले में लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके चलते शुक्रवार सुबह से ही शहर में भारी मात्रा में भीड़ दिखी। तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों ने भी इस लॉकडाउन के ऊपर अपनी कहीं मीठी तो कहीं तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते दिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेएनए न्यूज़ निमाड़। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल आपदा प्रबंधन की समिति की जो बैठक हुई है उसमें आज रात 9 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जो 17 तारीख सुबह 6 बजे तक चलेगा। तो आज लॉकडाउन के पहले का जो है आज आखिरी दिन है, आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। तो इसीलिए आज हम मार्केट में निकल कर आए हैं और देखते हैं, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उनका जो है धंधा पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। तो आज हम मार्केट में लेकर आए स्पेशल रिपोर्ट बनाने, जहां हम छोटे व्यापारियों से बात करेंगे, सब्जी मंडी वाले, जूस पार्लर वाले, जो हाथ गाड़ी वाले, हाथ ठेले वाले हैं, जिनका व्यवसाय और आजीविका पूरे तरीके से इन्हीं धंधों पर डिपेंड करती है। तो आइए आज इनसे बात करके देखते हैं कि लॉकडाउन का ऊपर जो है इनकी प्रक्रिया क्या है और कितना ज्यादा असर पड़ेगा लॉकडाउन का इनके ऊपर। आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लगेगा, हाँ, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लॉकडाउन 9 बजे से लगेगा, आज तो धंधा अच्छा चल रहा है, पर 17 जो 10 दिन रहेगा उनको परेशानियाँ होगी। वो भी क्या, पूरे तरीके से इसी पूरे धंधे इस पे पूरे डिपेंड कर रहे हैं ना, पूरा घर इस पे चल रहा है हमारा। तो लगभग कितना नुकसान होगा आपको? अब नुकसान तो होगा थोड़ा, पर ये बीमारी की वजह से इसलिए बंद कर रहे हैं सरकार, कि बीमारी बहुत बढ़ रही है अभी, इस वजह से बंद कर रहे हैं। पर ये कि चलना चाहिए थोड़ा बहुत, पर अब क्या कर सकते हैं, इसका समर्थन करते हैं आप लोग? हाँ हाँ, सही है ना, पालन करना पड़ेगा ना। आज रात से लॉकडाउन लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर आपकी? बस प्रतिक्रिया यही है कि मतलब सब खरीदी में लगे हुए हैं अभी, तो अपनी ज़रूरत का सामान पूरा करने में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द खरीदने में लगे हुए हैं। पूरा समर्थन करते हैं लॉकडाउन का? लॉकडाउन का पूरा समर्थन करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रोज़ की रोज़ केस बढ़ते जा रहे हैं, तो जितना अपन दूरी बना के रखेंगे और जितना मतलब एहतियात रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। सर, लॉकडाउन के कारण क्या खरीदी कर रहे हैं, कि कल सामान मिलता है कि नहीं मिलता है, इस कारण से आनन ठनन में आके खरीदी कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि गांव में पता चला कि 7-8 रोज के लिए मतलब लॉकडाउन लगा है, इसलिए सभी हम खरीदी कर रहे हैं। सर, आप समर्थन करते हैं पूरे तरीके से लॉकडाउन का? हाँ, समर्थन करता हूँ। कहाँ से, किस गांव के आप? मैं सर ग्राम सुरपाला से हूँ। जी सर, क्या नाम आपका? रामेश्वर भाल से। तो इस समय हम यहाँ मंडी प्रांगण में हैं और मेन सब्जी मंडी जो खरगोन की है उसमें आज दोपहर में इतनी धूप में, आज टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ जो नज़र आ रही है उसकी वजह यह है कि आज शाम से लगने वाला लॉकडाउन, जिसके चलते सभी जो आम जन है उनकी यही प्रयास रह रहा है कि वो थोड़ा सामान लेकर घर में रख लें, ताकि अगले 7 या 10 दिनों जितने भी दिनों का लॉकडाउन है उसमें वो सामान उन्हें पूट सके और वो जो खाने पीने की व्यवस्था है वो अच्छे से कर पाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे यहाँ से वहाँ तक सब्जी मंडी में भीड़ लगी हुई है। तो हम यहाँ से दूसरी जगह भी जाएंगे, दूसरे जो लघु उद्योग वाले लोग हैं उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करके देखेंगे कि उनको कितना असर पड़ा है लॉकडाउन से। हम यहाँ पर
पहुंच चुके हैं टाउन हॉल के समीप। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारे छोटे वो लघु उद्योग वाले कपड़ा व्यापारी है जो रोज़ाना रोज़मर्रा की जो है यहाँ ठेले लगाते हैं अपने हैंडकार्ट और उसमें जो भी बिक्रा होता है उससे उनका घर चलता है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि लॉकडाउन के ऊपर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आज से लॉकडाउन इम्पोज करा है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर लॉकडाउन तो देखा जाए तो लगना नहीं चाहिए। हम जैसे छोटे मोटे फुटकर व्यापारियों के लिए बहुत वो है कि हम क्या है हमारी जीवन यापन किस किस प्रकार कर पाएंगे। जैसे अभी हमारा गंगूर माता का सीजन आने वाला था वो नहीं कर पा रहे हम अगले हफ्ते से ही, और पूरा लॉकडाउन लग जाएगा तो हमारी थोड़ी रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। तो आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, क्योंकि खरगोन में केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं? सर देखो बीमारी के हिसाब से तो हम समर्थन भी करते हैं कि लगना चाहिए, मगर इतना लंबा भी नहीं लगना चाहिए कि मतलब हम मतलब थोड़ा मध्यम वर्ग जो है वो एकदम पिसा जाए। तो हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम क्या छोटा छोटा लॉकडाउन लगा के ना उस बीमारी को सीमित करके ख़त्म किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन। भैया ये लॉकडाउन आज से रात से लग रहा है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आप भी ये लघु उद्योगी करते हैं हाथ ठेला वाले, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे ज़्यादा ये लॉकडाउन की मार हम जैसे ठेला चलाने वाले लोगों को, रोज़दारी काम करने वालों को ही भैया मार पड़ेगा, और मार पड़ेगी हम जैसे लोगों का रोज़गार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हमारे घर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। लगभग कितना नुकसान होगा प्रतिदिन के हिसाब से? प्रतिदिन के हिसाब से भैया 200-300 रुपये रोज़ सुबह शाम से कमाते हैं, वो भी कमा नहीं पाएंगे अगर ये लॉकडाउन लग गया। तो ये लॉकडाउन का आप समर्थन करते हैं कि नहीं, क्योंकि एक तरफ खरगोन में जो केसेस का है दायरा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये लॉकडाउन का आप समर्थन करते हैं कि नहीं उस हिसाब से? नहीं भैया ऐसा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत लोगों ने चलना चाहिए, सभी ने सावधानी से रहना चाहिए और मार्केट भी खुला रहना चाहिए ताकि लोगों का रोज़गार भी चले, और सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। क्या नाम आपका? इमरान पठान। किस चीज़ का आपका हैंडकार्ट? मैं फल फ्रूट बेचता हूँ, केले बेचता हूँ, आम वगैरह बेचता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गाड़ी पार्क कर पाए हम, बिरला मार्ग पे मौजूद है इस समय पोस्ट ऑफिस के ठीक साइड वाले एरिया में, और यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रही है। यहाँ पे सड़कों पे गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे बैंक और ये बहुत सारी दुकानें होने के कारण पैदल आवागमन वाले लोगों की भी भीड़ बहुत ज़्यादा जमा है। तो आप देख लीजिए, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पे किस भांति यहाँ पे चल रहा है ट्रैफिक। यहाँ पे पार्किंग से ले जाके तो चलने वाली गाड़ियों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते। हमारी खुद की गाड़ी हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पार्क करी है, तो अब आगे जाके भी देखते हैं शहर की क्या स्थितियाँ हैं। इस समय हम यहाँ मौजूद है राधा वल्लभ मार्केट खरगोन में, जो खरगोन का मुख्य बाजार भी कहलाता है। बहुत ज़्यादा चमक धमक से भरा है ये मार्केट आज, लोगों के जमावड़े का केंद्र बहुत ज़्यादा तरीके से दिख रहा है। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आ रही है और दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल्स में कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों की यहाँ पे बाइक्स का आवागमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ साथ बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क भी है। यहीं पर जाके हम छोटे व्यापारियों से भी बात करेंगे कि लॉकडाउन पर प्रतिक्रिया क्या है उन लोगों की, मगर उससे पूर्व आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि आज रात को लॉकडाउन लगने वाला है तो किस प्रकार जनता जो है यहाँ निकल आई है बाहर अपने सामान की आपूर्ति करने के लिए या फिर किसी और वजह से, ये भी हमें जानना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, डिजाना न्यूज़ निमाड़ पर मौजूद है खरगोन का हृदय स्थल कहलाने वाली जगह राधा वल्लभ मार्केट के फव्वारा चौक पे। जी हाँ, वही मार्केट जो खरगोन की एक चकाचौंध अलग ही तरीके से दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि आज शाम से यहाँ लॉकडाउन लग जाएगा तो कल से ये चकाचौंध बहुत कम दिखाई देगी, मगर जब आप देखेंगे आज की तरफ तो आज सड़कों पे बहुत ही अलग तरीके का जमवाड़ा दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में ट्रैफिक हमें यहाँ पर आता दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से ले जाके वहाँ तक
बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो मास्क के बिना चल रहे हैं उनके चालान भी अभी काटे जा रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हम आए और यहाँ के हम छोटे व्यापारियों से प्रतिक्रिया भी लेंगे कि आज जो शाम से लॉकडाउन लगने वाला है उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन यापन पे। तो आइए उनसे ही जानते हैं। आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा है ना, अगले 7 दिनों के लिए। तो जो गन्ने के जूस का व्यापार है ये स्पेशली ये समर सीज़न यानी गर्मी के सीज़न में ही चलता है, तो आप जो लॉकडाउन है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आपका तो ये मेन सीज़न था भाई। ये सीज़न फेल होगा, घर ही बैठना है। अब क्या है, हमारे पास यही गर्मी के 2-3 महीने थे, अब इसके बाद फालतू अब क्या करना हमने। तो इस समय हम मौजूद है एक निजी कपड़ों की दुकान में, क्लॉथ्स की शॉप पे। यहाँ पर भीड़ आमतौर पर जो अभी समय चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, मगर आज बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। और उसका सीधा रीज़न है क्योंकि इस बार आज शाम से लॉकडाउन लग जाएगा, तो जो है गणगौर का त्यौहार थोड़ा फीका सा नज़र आएगा, तो इसीलिए लोग भी इतने ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर इस शॉप में आके देख रहे हैं कि क्या स्थितियाँ हैं और कैसा रहा है यहाँ का गणगौर। मतलब कपड़ों का अगर कहा जाए, निमाड़ का सर्वश्रेष्ठ त्यौहारों में से एक, जिसमें कपड़े का सबसे ज़्यादा जो है बिक्रा होता है, बहुत ज़्यादा रिटेलिंग चलती है, तो इस बार लॉकडाउन क्योंकि आज शाम से लग रहा है, तो उसका कितना प्रभाव दिखा है आपके ऊपर? मार्केट में तो बहुत प्रभाव है गणगौर का, क्योंकि क्या है कि जो जिस तरीके से भीड़ आना चाहिए, मतलब जिस तरीके से त्यौहार को बनाना चाहिए वो हो नहीं पाया। अब आज से लॉकडाउन लग जाएगा, इसके जस्ट बाद शायद 19 तारीख को ओपन है, तो जब तक शॉप बंद रहेगी तो त्यौहार पे भी फर्क तो पड़ेगा थोड़ा। लॉकडाउन का पूरा समर्थन करते हैं बाकी आप, क्योंकि खरगोन में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, लॉकडाउन का फुल समर्थन है, क्योंकि क्या जिंदगी है तो जहान है। लॉकडाउन का फुल समर्थन है, सभी सेफ्टी से रहे, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए। क्या नाम आपका? अनुप्रीत पाल। भैया ये आज शाम से लॉकडाउन लग रहा है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं ठीक है, बीमारी फैल रही है हम भी जान रहे हैं, पर बीमारी के रोकथाम के प्रयास होने चाहिए, न कि लॉकडाउन इसका कोई विकल्प है। लॉकडाउन लगाने से बहुत सारे मजदूर वर्ग है, हमारे जैसे दुकानदार है जिनके यहाँ पे सारे खर्चे लगे रहते हैं, जैसे कि देखा जाए हमारे यहाँ बिजली बिल कंटिन्यू आता है, सारे टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, दुकान का किराया तक किराएदार नहीं छोड़ते हैं, तो उस केस में अगर हमारी दुकानें इस तरीके से 10-10 दिन बंद रहेगी तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। क्या नाम आपका? प्रवीण असनादे। डीजीएनए न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।